हाँ तुमने मित्रों, तो इंस्टाग्राम में आप हाइलाइट्स कैसे लगा सकते हो, कैसे बनाते हैं, वो बताने वाला हूँ। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये तो सबको पता है, तो शायद आप मुझे जानते नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताता जो सबको पता होता है, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूँ आप बिना इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाए अपने हाइलाइट्स में कैसे आपने कोई भी स्टोरी को ऐड कर सकते हो बिना स्टोरी लगाए। तो अब ये तो सबको नहीं पता है ना, बिना स्टोरी लगाए हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना ऐसे यूनिक और ज़ोरदार खतरनाक ट्रिक्स के लिए। ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ये सब कारनामे करने के लिए हमें पहले इंस्टाग्राम को ओपन करना पड़ेगा। ये हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लिया। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो यार, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग भी अपलोड करता हूँ इसमें। और जो मतलब कि टिप्स ट्रिक के लिए अलग से अकाउंट है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप जाके वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर बात करना है तो आ जाओ यार, वहाँ बातें भी होती है हमारे बीच, मैं करता हूँ, ठीक है। अगर आपको बात करनी है तो आके बात कर सकते हैं हम। तो चलिए हम दिखाते हैं बिना अपने हाईलाइट को, अपने स्टोरी में बिना लगाए हम अपने हाईलाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ हाईलाइट्स है जो हमने बना के रखा है, ठीक है। तो अब हमें स्टोरी, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी अपने हाईलाइट में लगाते हैं वो हमारे स्टोरी ही होते हैं। तो बिना स्टोरी लगाए आपको अगर हाईलाइट में लगाना है तो ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन आपको जो मैं जुगाड़ बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप जो स्टोरी लगाओगे वो किसी को नहीं दिखेगा, और आप अपने हाईलाइट में उसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के मतलब कि इंस्टाग्राम के स्टोरी में जो आपको हाईलाइट लगाना है आपको वो स्टोरी लगा लेना है, ठीक है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे कोई भी स्टोरी में यहाँ से ये मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए मान लो ऐसे ही मैंने लिख लिया, और यहाँ पर इसको नेक्स्ट करके स्टोरी पर क्रिएट, ये हमने स्टोरी लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरा स्टोरी लग गया है, लेकिन ये स्टोरी जो हमने लगाई ये सबको अभी दिखेगा, तो सबको नहीं दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोरी को आपको डिलीट कर देना है बस। जब आप स्टोरी डिलीट कर दोगे तो किसी को कैसे दिखेगा, लेकिन आप अपने डिलीट किए हुए स्टोरी को भी अपने हाईलाइट में लगा सकते हो। तो ये हमने स्टोरी लगा दिया। अब मैं यहाँ से इसको मान लो कि ये 24 सेकंड हुआ है बस, अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा फेसबुक में भी लग गया है, तो हम यहाँ पे डिलीट फ्रॉम बोथ करते हैं, दोनों डिलीट हो जाएगा, मतलब कि स्टोरी फेसबुक से भी और यहाँ से भी, ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। दोनों जगह से डिलीट हो गया है, तो अभी तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 24 घंटे, जितना देर आपका स्टोरी रहता है उतना देर आपको, मान लो कि आपने स्टोरी लगा दिया है, किसी को अभी नज़र नहीं आएगा, आपको भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि डिलीट कर दिया है ना, तो अब उसको आपको हाईलाइट में ऐड करने के लिए 24 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है यहाँ पे, उसके बाद यूअर एक्टिविटी पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको रिसेंट डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, एक रिसेंटली डिलीटेड का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरी पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ रील है और इधर बगल में स्टोरी है, तो ये हमने जो स्टोरी मतलब कि लगाया था वो सारे स्टोरी है, जो हमने डिलीट भी कर दिया वो भी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये। अब मैंने जो अभी स्टोरी लगाया आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे, जो मैंने अभी डिलीट कर चुका है, मतलब कि डिलीट कर दिया हमने इसको, लेकिन अभी यहाँ पे है ये। तो अभी अगर हम इसको हाईलाइट में लगाना चाहेंगे तो ये हाईलाइट में नहीं लगेगा। इसको अगर हम फिर से रिकवर करना चाहें तो रिस्टोर कर दे तो हमारी ये स्टोरी फिर से ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें स्टोरी नहीं लगाना इसको, ठीक है। आपको बस 24 घंटे इंतज़ार करना है, 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ से इसको रिस्टोर कर देना है। तो 24 घंटे के बाद आप अगर इसको रिस्टोर करते हो उसके बाद ये आपका स्टोरी में ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अब हाईलाइट लगाने हैं, तो हाईलाइट लगाने हैं कैसे, आप वो देखिए रिसेंटली डिलीटेड के नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका स्टोरी यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर भी दिख जाएगा। उसके बाद जब आपने उसको रिस्टोर कर लिया 24 घंटे के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे आपका स्टोरी दिखेगा, और जब यहाँ पे आपका स्टोरी दिखने लगेगा तो उसके बाद आप इसको हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ इसको, ज़्यादा कुछ ये स्टोरी भी मेरा लगा हुआ है, ये 18 जनवरी का जो मैंने
मतलब कि डिलीट हो गया मेरे अकाउंट से, लेकिन यहाँ पे अभी दिख रहा है। अब अगर मैं इसको हाईलाइट लगाता हूँ, ये देख सकते हो, हाईलाइट में ऐड कर दिया, लेकिन ये स्टोरी हमारा अकाउंट से भी डिलीट हो चुका है। वैसे ही अगर वो स्टोरी भी आपका जब डिलीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका, उसके बाद आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो अपने स्टोरी में। बस आपको 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टोरी को अपना ऐड कर सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ ये अपने स्टोरी में भी, यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लिया आपने जो मैंने अभी रिस्टोर किया और यहाँ पे ऐड किया, लेकिन मेरे स्टोरी पे वो अभी लगा हुआ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और फिर भी अगर और भी समझना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में आ जाओ यार, वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ मैं बिल्कुल आपको बात करके समझा सकता हूँ, मतलब कि समझा दूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में दूसरे सेटिंग और दूसरे जुगाड़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ठीक है।